हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। यहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अगर कोई ऑक्टल नंबर दिया उसको वापस डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक डेसिमल नंबर हम लोग का 1742, इसका ये है डेसिमल नंबर, बेस 10 दिया हुआ, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डेसिमल से ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल कहीं भी जाना है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड किसे करेंगे, जहां हमको लेके जाना है, जो हमारा बेस है। 8 में ले जाना तो 8 से डिवाइड करेंगे, बाइनरी में ले जाना तो 2 से डिवाइड करेंगे, हेक्साडेसिमल में ले जाना तो 16 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 8 से। तो 1742 डिवाइडेड बाई 8, पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट वाला पार्ट नहीं लेना है। 217 टाइम्स जाएगा, 217 × 8 1736। तो 217 पॉइंट वाला पार्ट छोड़ देना, उसके बाद रिमाइंडर जो बचेगा, जैसे 1742 217 × 8 1736 आ रहा है, रिमाइंडर हम लोग का बच रहा है 6। तो रिमाइंडर साइड में बैठाते जाएंगे, जैसे कि बाइनरी नंबर वाला वीडियो में बताया था। ठीक है, इसके बाद अगेन 217 को फिर 8 से डिवाइड करेंगे, तो 217 डिवाइडेड बाई 8, पॉइंट वाला पार्ट छोड़ देना है 27 टाइम्स। ठीक है, तो 27 × 8 216 आ रहा है, यहाँ पे कितना हम लोग का 217 है, तो रिमाइंडर अपने हाथ में कितना बचेगा, 1। अगेन 27 को 8 से डिवाइड करेंगे, 27 डिवाइडेड बाई 8, 3.37 पॉइंट वाला पार्ट छोड़ देना है, 3 बार में जाएगा, तो 8 × 3 = 24 हुआ। रिमाइंडर हाथ में कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, 27 − 24 3 बचा। इसके बाद ये जो 3 है इसको अगेन किसे डिवाइड करेंगे, 8 से, लेकिन जहां पे हम लोग का ये जो है 3, ये जो हम लोग का बच गया नंबर 3, 8 से छोटा हो गया वहीं पे हम लोग का जो डिवीजन है वो स्टॉप कर देना। उसके बाद इधर से लेके इधर तक, नीचे से ऊपर लेके जाना है, ये जो नंबर निकलेगा वही हम लोग का ऑक्टल नंबर होगा। ठीक है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 1742 डेसिमल नंबर, उसको ऑक्टल में कहां से लेंगे, ये जो लास्ट में नंबर आया 8 से जो छोटा नंबर, यहां स्टार्ट करेंगे 3, फिर ये 3, फिर ये 1 और 6, ये हमारा हो गया ऑक्टल नंबर। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं हम लोग का ये जो ऑक्टल नंबर आया है 3316 ऑक्टल, इसको हमको डेसिमल में ले जाना। तो जब डेसिमल में ले जाएंगे तो हम लोग का ये नंबर 1742 आ जाना चाहिए, लेकिन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है डेसिमल से ऑक्टल में ले जाना, ये 3 नंबर का होगा। ठीक है, या ऑक्टल नंबर दिया है उसको डेसिमल में ले जाना है, डेसिमल से कहीं भी ले जाना है, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल डिवाइड करेंगे, जो बेस जिस बेस में ले जाना है, बाइनरी में 2 से, ऑक्टल में 8 से, हेक्साडेसिमल में 16 से। और ऑक्टल से अगर हम लोग को डेसिमल में जाना है, ठीक है, तो वहां पे मल्टीप्लाई होता है, तो जो ऑक्टल नंबर गिवन होगा 3316, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सब में 8, जो बेस होगा ऑक्टल नंबर दिया तो 8 से, बाइनरी नंबर दिया तो 2 से, हेक्साडेसिमल तो 16 से, मल्टीप्लाई करेंगे। सीधा से टेक्निक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो 8 है पावर बैठाना लास्ट वाला में 0, उसके बाद 1, फिर 2 और 3। ठीक है, तो 3 × 8³ होगा 8 × 8 × 8 512 प्लस 3 × 8² ये हो गया हम लोग का 64, 1 × 8⁻¹, 8 आएगा, एंड 6 × 8⁻¹₀, तो यहाँ वैल्यू तो 1 आ गया, 8⁻¹₀1 होगा, ये हो गया 512 × 3 1536 64 × 3 192 1 × 8 8 हो गया और 6, सम करेंगे तो 1536 प्लस 192 बिना पॉइंट का जो क्वेश्चन है, डेसिमल से ऑक्टल में ले जाना, ऑक्टल से डेसिमल में ले जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे डेसिमल से हेक्साडेसिमल में ले जाना, फिर वापस हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में लेके आना। ठीक है।